करती हो, वाह बहुत अच्छा है, तो कड़ापन हो गया, इसका मतलब इसको प्रेम नहीं करते हैं आप। कड़ा कैसे हो रहा है, कोर्स जैसे कोर्स जैसे कड़ापन कैसे प्रकट है, इसको अनुभव करिए, अनुभव किए, फिर ढीला करते देखिए ढीला कैसे हो रहा है, तब प्रेम होगा कि एक बच्चा है, सुन नहलाएंगे प्रेम से, इतनी जल्दी जल्दी नहला रहे कि आपकी उंगली उसकी नाक में घुस गई, खून बहने लगा, ये कौन सा नहलाने का तरीका है। अरे धीरे धीरे नहलाइए, पता था साबुन लगाए उसके कान में साबुन ही भर दिए, जैसे एक बच्चे को नहलाते हैं धीरे धीरे पकड़ करके आराम से प्रेम के साथ नहलाते, तो कहीं इंजरी ना हो, पता नहलाते हाथ ऊपर के हाथे तोड़ दिए, ऐसे अपने को प्रेम करते हैं, कड़ा ढीला करते यूं किए यूं किए, क्या करें रिचार्जिंग कर रहे, रिचार्जिंग नहीं कर रहे हैं, ये तो पागलपन कर रहे हैं आप, हम रिचार्जिंग करें, देखिए ये कौन सी रिचार्जिंग है, रिचार्जिंग नहीं है। जब कड़ापन प्रकट होता है तो कैसे प्रकट हो रहा है, उसमें एकाग्रता बढ़ाई है, इसी कड़ेपन में सब कुछ विद्यमान है। ये कड़ापन है क्या, ये ज्ञान है, सब प्रकार का ज्ञान ब्रह्मा विष्णु शिव में विद्यमान यही ज्ञान है, यही शक्ति है, यही शांति है, यही आनंद है, यही अमरता का अनुभूति है। फिर धीरे धीरे सीधा करिए, खुद धीरे धीरे सीधा करिए, जितने प्रकार के परिवर्तन है उनका स्वागत करिए, आप जल्दी से झुक जाएंगे सीधे हो जाएंगे, इसका मतलब क्या प्रेम करना नहीं आ रहा है। तो जो कड़ापन ढीलापन अभ्यास करते हैं, कड़ापन कैसे प्रकट हो रहा है, इसलिए जो किताब लिखी गई छोटी सी रिचार्जिंग, उसमें कड़ेपन की स्थिति दिखाई गई, लो मीडियम हाई, एक रिचार्जिंग का बड़ा संग्रह हमने बनाया है, अभी इसको समझ में नहीं आएगा, इसे प्रिंट नहीं हो रही है, कम से कम इसकी 10 गुना मोटी होगी रिचार्जिंग। इस तरीके से जो हार्स नेचुरल लव, हृदय का प्राकृतिक प्रेम, जब हृदय के प्राकृतिक प्रेम का विस्तार करिए, तब आपको वो सुनाई पड़ेगा जिसको ब्रह्म निधानान कहते हैं, जिसको ब्रह्म की ध्वनि कहते हैं। और हृदय का प्राकृतिक प्रेम क्रिया योग का अभ्यास है, क्योंकि हृदय प्रकृति से, हृदय से जो कुछ प्रकट हुआ है वही हृदय का परिवार हुआ है। तो यहां से लेकर के कैसे प्रकट हुआ, मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 इंद्रिया 5 तन्मात्रा 5 स्थूल तत्व आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी, इसमें चार्ट बना हुआ होली साइंस में, उसको देख लीजिए। तो निष्कर्ष क्या है, खूब अभ्यास करिए और खूब सेवा करिए। अगर आप खाली बैठे तो ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि आपको बर्बाद कर देंगे, बिल्कुल खाली न बैठिए, खाली तब बैठिए जब अभ्यास करते करते इतना परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन का अनुभव करने में अपने आप गिरेश हो गई। तो परिवर्तन का अनुभूति में दर्द नहीं होगा, जब परिवर्तन से प्रेम करेंगे तो एक नेचुरल स्लीप होती है, प्राकृतिक नींद होती है, अपने आप आ जाएगी। अब ज्यादा खाना इतना खा लिए कि बैठ ही नहीं पा रहे, लेटना ही है, ऐसा ना खाइए। इस तरीके से बार बार अभ्यास करिए। लाली महाशय ने कहा है, महावतार बाबा ने शिक्षा दिया है, जो होता है कि भाई इतने हमारे पास ये कालिमा है, हम क्रिया का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा तो कर लेंगे ना। पूछे को कड़ा की ये क्या है, निराकार परब्रह्म की साकार अनुभूति है, ढीला की ये क्या है, वो है, इतना अभ्यास कर लेते हैं ना। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जब महातार बाबा दीक्षा दे रहे थे लाली महाशय को,
तो इनको पता था लाही वहां से बहुत दयाल भी है लेकिन बहुत अनुशासित भी है। तो उनको याद दिलाए कि ये भी याद दिलाना कि थोड़ा अभ्यास भी बहुत बड़े भय से मुक्त कर देगा। इसे पृथ्वी पर जितने मानव बने हैं सब क्रिया का अभ्यास करें, अल्प करिए, 5 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, करिए सब। ये था आज का एक स्क्रिप्चर सिद्धांत। अब अभ्यास करिए, सब ठीक हो जाएगा, करते जाइए। अभ्यास से क्या होगा, सच पता चलेगा। सच क्या है उसकी कल्पना ना करिए। सच यह है कि वो है इस कल्पना से ऊपर उठिए, अभ्यास करते जाइए। अभ्यास इतना करिए उससे जो परिवर्तन हो हम सह सके। इतना अभ्यास ना करिए कि सिर से पैर की उंगली तक इसमें होने वाले परिवर्तनों को हम सह ना पाए। जैसे कोई मकान बना रहे हैं, दीवार इतनी तेजी से बनाइए कि खड़ी रह सके। पता चला कि 4 फुट 5 फीट की दीवार उठे और उसको रेस्ट ना दीजिए, लगातार आप उठाते जाइए 10 और 15 फीट कर दीजिए तो दीवार गिरने का डर रहता है। ठीक उसी तरीके से जब आप अभ्यास करें तो सावधानी है, अभ्यास करने में तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। और परिवर्तन अगर सहने योग्य है, सह लेते हैं तो अच्छा है, नहीं सहते हैं तो सलाह लेकर के अभ्यास थोड़ा सा कम कर दीजिए। क्रिया योग क्या है, हमें ये सच से परिचय कराता है कि सच क्या है, तुझ क्या है। और जब सत्य पता चलेगा तो क्या पता चलेगा कि द्रव्यमान और समय नहीं होता है, कि पूरी दुनिया समय पर टिकी है। समय से ट्रेन आई की गई, समय से फ्लाइट आई की गई, सुबह हुआ, शाम हुआ, दिन और रात्र समय के घेरे में हम लोग हैं। और सिर से पैर की उंगली तक इसमें हल्कापन भारीपन, अगर ये अनुभव होना बंद हो जाए तो आप चल नहीं पाएंगे। तो जिसको हम कहते हैं कि अंतिम सत्य क्या है, कि जिसको मास कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, और समय कहते हैं, टाइम, इसका अस्तित्व होता नहीं है। लेकिन अभी इसके अस्तित्व को नकार दीजिए तो काम नहीं चलेगा। आपको ट्रेन पकड़नी है, कह दीजिए समय होता ही नहीं है, तो ठीक है, तो द्रव्यमान भी नहीं होता, तो ट्रेन तो द्रव्यमान है तो पकड़ेंगे क्यों। जिसका तक ट्रेन पकड़ना, समय देखना, ये सब बेकूफी है। ये बेकूफी किसके लिए होगी, जो लाड़ी महाशय बन गया होगा, जो बिना ट्रेन की यात्रा करता है, बिना हवाई जहाज के आप यात्रा कर सके। लाड़ी महाशय की यात्रा बिना हवाई जहाज के, बिना ट्रेन के, और कितनी गति से, प्रकाश से भी अधिक तेज गति से। सच तो यही है, उस सच की अनुभूति अभी तो हो नहीं रही। अभी तो समय और दूरी को पकड़ना ही पकड़ना है, तो हम करें क्या। हम अभ्यास क्रिया योग का हम कैसे करें, हम लाड़ी महाशय की तरह होना चाहते हैं, पल भर में कहीं चले जाएं, इतने विनम्र होना चाहते हैं। जब किसी ऐसे लोगों के अंदर में काम करें जो अज्ञानी हो, एक अज्ञानी के अंदर में परम ज्ञानी अस्तित्व कैसे विनम्रता से
काम करते हैं, आप जिले में चीफ अकाउंटेंट के पद पर थे, इनके पास कोई अंग्रेज था, बड़ी विनम्रता के साथ जाकर के साइन कराते थे फाइल पर, पेपर पर, कहा लड़ी मास है, कहा उनके ऑफिस के सुप्रिंटेंडेंट, जैसे एक अज्ञानी एक परम ज्ञानी। तो परम ज्ञानी होने पर यह प्रदर्शन होता है, ये उससे और बड़ा प्रदर्शन महातार बाबा ने दिखाया आपको मेले में, लड़ी वहां से टाल रहे थे तो महातार बाबा दिखाते हैं कोई एक ऐसा साधु था जो साधु के भेष में तो था लेकिन साधु बिल्कुल नहीं था, साधु के प्रकृति के ठीक उल्टा था। महातार बाबा जी उसकी सेवा के लिए रुके थे, लाड़ी मां से देखते हैं तो चौंक पड़ते हैं कि गुरुदेव आप यहाँ कैसे, कहने साधु की सेवा करके मैं नम्रता को प्रकट कर रहा हूं, इसका पैर धुलूंगा, खाना बनाऊंगा, सब सफाई करूंगा, ऐसा करके भगवान को खुश कर रहे हैं। परम ज्ञानी होने का अर्थ यही होता है, इसके अलावा दूसरा नहीं होता है। आज जो परम ज्ञानी कहे जाते हैं अपने समाज में, वो ऐसा चलते हैं, इस तरह से होते हैं, जिसको स्मगनेस कहते हैं, इसी को दम्भ कहते हैं, और दम्भ में चलते हैं कि हम तो पीएचडी हैं, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम इम्तिहान देकर के इतनी बड़ी परीक्षा को पास किए, हम आईएएस हैं, आईपीएस हैं, हम मेहनत करके थोड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश किए हैं, विश्व का सबसे धनी व्यक्ति हैं, इस मगने से दम्भ प्रकट हो जाता है। तो हम सबको किस तरह से रहना है, लड़ी महाशय की तरह, जैसे महावतार बाबा ने कहा है, परम ज्ञानी होते हुए भी किसी अज्ञानी के सामने इस तरह से मत रहिए, आप सो करिए परम ज्ञानी है, उसको नहीं आता है। और दूसरी चीज, एक अज्ञानी के अंदर में रहना सीखिए, किस तरह से रहेंगे, रहने का तरीका क्या होगा, ये बताएंगे नहीं कि आप परम ज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं है, उसकी सारी मदद करते हुए आप छिप करके मदद करेंगे, जैसे लड़ी महाशय ने किया, ऑफिस के सुप्रिंटेंडेंट की पत्नी लंदन में बीमार थी, तत्काल जाकर के ठीक करके वापस आ गई, और इनकी ये शरीर वहीं रही ऑफिस में ही, किसी अन्य शरीर से गई, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते, कारण शरीर कहते, ये है वास्तव में सच है कि ट्रेन नहीं है, समय भी नहीं है, लेकिन ट्रेन से जाना है, लाड़ी मां से तो हुए नहीं अभी, और लाड़ी मां से हो जाएंगे, फिर याद रखिए बार बार आने का संकल्प बनाए रखिए, क्यों बनाए रखेंगे, हम किसी को नियुक्ति कर देंगे जिसकी मर्जी पृथ्वी पर बार बार आए, कृष्ण भगवान ने कहा है कि बार बार आएंगे, जीसस क्राइस्ट ने कहा है, परमहंस योगानंद कहेंगे सफिशियंट है, एक आदमी पृथ्वी पर परम ज्ञानी हो वो सफिशियंट है, पर्याप्त है सबको ज्ञान देने के लिए। अगर लड़ी मासे की तरह हो जाते हैं और नहीं आते हैं कोई दिक्कत नहीं, किसी न किसी को तो आना ही है, कौन नियुक्ति करेगा वही नियुक्ति करेंगे, लड़ी मासे महावतार बाबा जी टीचर गिरी पृथ्वी पर कौन आएगा सेवा के लिए, यहाँ जो सेवा के लिए आ गया वो किसी से कम नहीं है, लाड़ी महाशय की तरह ही होगा, वो स्वामी केशवगिरी की तरह ही होगा, जो कृष्ण भगवान थे उनकी तरह होगा, जीसस की तरह, बुद्धा की तरह। इस तरह से याद रखिए सच क्या है कि द्रव्यमान मास समय नहीं होता है, फिर अभी इसको नहीं मान पाएंगे, तभी करेंगे क्या, क्रिया का अभ्यास करते जाइए, सेवा कार्य में लगे रहिए, और सेवा कार्य करने के लिए पसीना बहाइए, शारीरिक मेहनत करिए, बिना शारीरिक मेहनत के जो सेवा कार्य करेंगे अधूरा होगा। इसे महात्मा गांधी कितने जीनियस थे, अपने आश्रम में शारीरिक श्रम अनिवार्य किए थे, जो रहेंगे वो शारीरिक श्रम करेंगे, और उस समय जो शौचालय होता था
फ्रस्ट नहीं होता था। लोग डिब्बे में जाते थे, फिर डिब्बा सुबह उसका मल को फेंका जाता था कहीं। तो उन्होंने कहा था कि यहां जो रहेगा शौचालय की सफाई करेगा, काम जरूर करेगा और डरेगा नहीं। जेल जाना हो तो जेल जाने में डरेगा नहीं, मार पड़े तो प्रतिक्रिया नहीं करेगा। जिसको इतना सहना हो हमारे साथ चले, कितने लोग उनके साथ थे सोचिए। आश्चर्य नहीं होगा कोई कह दे चलिए हमारे साथ, पीछे से डरना पड़े सहते रहिए, प्रतिक्रिया ना करिए, कोई गाली दे सुनते रहिए, प्रतिक्रिया ना करिए और शारीरिक सब करते रहिए, चुपचाप बैठना नहीं है। सब लोग आकर के ढेर सारे लोग पखाना जा रहे हैं, शौच करने जा रहे हैं और उसको सफाई कौन करेगा, आश्रमवासी करेंगे। ये सब चीजें बहुत सामान्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी का जो प्रेम का स्तर उतना अधिक था जैसे लड़ी महाशय का, जैसे कृष्ण भगवान का, ईसा मसीह का, बुद्धा का, ज्ञानाथा स्वामी कृष्णगिरी का, परमहंस सेवानंद की तरह, किसी विशेष कार्य के लिए आए ही थे वो, कैसे सबको जोड़े। और ये भी दिखा दिए कब हमारी बात कोई मानता नहीं तब जिद करना बंद। पहले कोई नहीं मानता था, हंगर स्ट्राइक करते थे। हंगर स्ट्राइक इसलिए करते थे लोग बात मान जाएंगे, जब देखा कोई मानेगा ही नहीं तब हंगर स्ट्राइक नहीं किए, न मानी, फिर जाने का सोच लिए। हम जाएंगे किस विधि से, कोई सीने पर गोली मारे और मैं मुस्कुराता हूं उसको आशीर्वाद दू, भगवान से भी शिकायत ना करूं, किसी से शिकायत ना करूं, जो मारा है उससे भी शिकायत ना करूं, उसको आशीर्वाद दे करके जाऊं और ईश्वर का नाम लेते हुए जाऊं। जो महात्मा गांधी सोचे वही हुआ। संजोग एक वो फोटो हमारे पास है, जब घोड़े से मारा था, तीन गोली मारा, गांधी जी चौके नहीं, सब चौके तितर बितर हो गए और गांधी चुपचाप खड़े रहे। बाएं सीने से खून का धार निकली, दाहिने हाथ को उठाकर आशीर्वाद दिए, चेहरा स्माइल, मुस्कुराता हुआ चेहरा। याद रखिए सच को पाने के लिए वहां तक पहुंचना होता है। हमें नहीं कहते कि आपको गांधी जी बनना है। लाड़ी मां से क्यों नहीं गांधी जी की तरह काम की, आवश्यक नहीं था, गांधी जी पर्याप्त है। लाड़ी मां से जो की वो जरूरी था, ज्ञान अवतार ने जो किया वो आवश्यक था, परमहंस योगानंद को अमेरिका जाना जरूरी था, विवेकानंद को शिकागो में जाना जरूरी था, सब अपना अपना काम किए। इसे हम सबको अपना काम करना है। हम सबका काम क्या है इसमें, पूरी दुनिया में विज्ञान इतना बढ़ गया है, इंटरनेट के सहारे नए नए उम्र के लड़के बर्बाद हो रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, उसके सहारे जो कुछ देखते सुनते हैं उससे आकर्षित होते हैं, उसमें उलझ जाते हैं और बॉम्बिंग हो रही है, बड़े बड़े राइफल बन रहे हैं, मिसाइल बन रही है, पैटर्न टैंक बन रही है, क्या क्या लड़ाई की चीजें बन रही है, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। हम सबका काम क्या है, पूरे विश्व में लड़ाइयां बंद कराना। ये कैसे होगा, जाके समझाएंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। जैसे महाथार बाबा लाड़ी मासे की मदद करते रहे, जब जन्म लिए तो महाथार बाबा वहां भी थे, किसी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। जब नदी किनारे बालू में लाड़ी मासे अपने को खुद करके यहां तक ढक लेते थे, ध्यान में बैठते थे, वहां भी महातार बाबा थे। मदद ऐसी भी की जाती छिप करके, पता न चले तो छिप के मदद कैसे होगी। खूब क्रिया ध्यान करिए, आप क्रिया के सिद्धांत पर जीवन व्यतीत करिए। जब क्रिया के सिद्धांत पर जीवन व्यतीत करेंगे, यहीं से बैठे बैठे आपके अंदर से जो विचार निकलेगा, जैसे सूरज की किरणें पूरी दुनिया में फैलती है, ऐसे आपके अंदर से निकले विचार सभी मानव तक जाएंगे, उनकी सोच बदलेगी, उनकी सोच बदलेगी। सभी राष्ट्र के लोग जुट करके मीटिंग करेंगे, अब भाई हथियार बनाना बंद,
जो भी एटॉमिक एनर्जी उसका इस्तेमाल करेंगे विद्युत बनाने में, ये भी शुरू होगा कि जो लाइसेंस दिया जाता है ये कैंसिल हो, ये पहले भारत से शुरू होगा। इस तरीके से जब योग अभ्यास करेंगे कि हमें सच की ओर ले चलेगा, क्योंकि सच क्या है कल्पना न करिए, कल्पना करेंगे किसी चीज को सच मान ली है, जो आपने कल्पना किया कोई विचार था, आपने किसी विचार का सृजन किया, तो उसकी रक्षा भी विष्णु करेंगे। अगर आपने गलत कल्पना कर लिया है तो उस कल्पना की रक्षा विष्णु करेंगे, तो आप कल्पना करके उसे फंस गए, ये सच ये गलत उसके व्याख्या करके उसे मुलझ गए आप, ये पाप ये पुण्य लाभ ये हान ये सब मत सोचिए, सिर्फ क्रिया ध्यान करिए, ऑडियो प्रैक्टिस है लगाकर अभ्यास करते जाइए और सेवा करिए। अगर ये निश्चित कर लिए हो कि इस जन्म में हमें लड़ी भाषे की तरफ परम ज्ञानी बनना है, चलो वहां तक नहीं भी पहुंचे, जहां तक पहुंचे वो भी बहुत अच्छा है, विल पावर से बीमारियों को ठीक कर लेंगे, यहां तक पहुंच गए ये भी अच्छा है, किसी से झगड़ा झंझट नहीं होगी ये भी बहुत अच्छा है, पारिवारिक एकता स्थापित कर देंगे ये भी बहुत अच्छा है। किसी याद रखिये जो बहुत जरूरी है, चलिए हम आपको बताते हैं ढेर सारी चीजें, तो उसको आप सुनते जरूर हैं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने कहा कि द्वापर का 322वां वर्ष चल रहा है, ठीक है इसको मान लीजिए, इसको तो समझा देंगे आपको, फिर कैसे निकला, कहां से निकला, युग की परिकल्पना कब हुई, समय कब बना, ये किसने बनाया, क्या हुआ, जीरो ने किसने आविष्कार किया, घड़ी किसने बनाई, ये सब उधर बूंद में पड़ेंगे ना, इसका अंत नहीं है। सारी चीजें को खोज करी, पहले घड़ी कौन बनाया, जीरो आविष्कार कौन किया, मैथमेटिक्स पहले कौन बनाया, साइंस का आविष्कार कैसे हुआ, इस सब का कोई आदि अंत नहीं है। पढ़ते जाइए उसी में उलझ जाएंगे, इसलिए सिर्फ एक पढ़ाई करिए, सिर से पैर की उंगली तक आपका जो अस्तित्व है, अपने को कैसे प्रेम करिए, अपने को प्रेम करना सीख लीजिए, बाकी चीज अपने आप आ जाएगी, बाकी चीज पढ़ करके जानने का प्रयास करेंगे उलझ जाएंगे, इसी में समझ में नहीं आएगा, जाते जाते पता चला तब तो इसके आगे पता ही नहीं क्या है। जैसे साइंस ने आविष्कार किया कि द्रव्यमान नहीं होता है, द्रव्यमान दिखता तो है, करेंगे क्या, समय नहीं होता, लेकिन समय दिखता तो है, समय द्रव्यमान दोनों दिखता है, तो हम करें क्या, उसको जान करके जो आविष्कार हो गया है द्रव्यमान समय नहीं है, समय तेजोगिरी बहुत पहले ही लिख दिए कि द्रव्यमान समय नहीं है, ऐसा जो आविष्कार हुआ तो उससे हम करें क्या, उसके बारे में और जानना चाहेंगे उलझ जाएंगे, पता नहीं चलेगा, जान करके देखिए उलझते चले जाएंगे। इसलिए एक चीज सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि क्रिया युग ध्यान लाड़ी महाशय से निकला है, लाड़ी महाशय का जीवन देखिए बहुत पुराना नहीं, 1895 में आप महासमाधि में प्रवेश किए, 4 घंटा प्रवचन करने के बाद फिर खड़े हुए, 3.5 चक्कर घूमने करके बैठ गए और फिर कहे अपने घर जा रहे हैं, छोड़ दिए सभी, स्वामी तीर्थगिरी चैतन्य अवस्था में छोड़े, परम से योगानंद का आप जानते ही, तो हम क्रिया युग ध्यान करें, चूंकि उन्हीं से निकला हुआ है, जो प्रमाणित हो गया है कि इनसे निकला हुआ जो ज्ञान है उसी का उपयोग ज्ञानाता स्वामी तीर्थगिरी ने किया, परम से योगानंद ने किया, आप ही करके देखिए, सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। बाकी बहुत ज्यादा पढ़ करके खोज करिए कि जीरो किसने आविष्कार किया, मैथमेटिक्स किसने बनाया, इंटीग्रल कैलकुलस कैसे हुआ, फादर ऑफ साइंस कौन है, ये कौन है, वो कौन है, ऐसी आवश्यकता नहीं। हाँ आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई करते रहिए जो कर रहे हैं, साथ क्रिया योग ध्यान करते रहिए, आप खेती करते हैं खूब बढ़िया खेती करिए, क्रिया योग ध्यान करते रहिए, गौशाला रखे हैं उनकी सेवा करिए, सारे जानवरों की क्रिया योग ध्यान करते रहिए,
कहीं शिक्षक हो, पढ़ा रहे हो, खूब मेहनत से पढ़ाते रहिए, क्रिया योग ध्यान करिए। बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करते ही क्रिया योग ध्यान करिए। कुछ भी करते हैं लेकिन करना जरूर है, और ऐसा काम करिए जिसमें शारीरिक श्रम भी हो। आप कहते हैं ऑफिस में तो शारीरिक श्रम है नहीं, बैठे बैठे काम है, तो घर में 2 घंटा करके जाइए ना, उठिए सुबह 4 बजे, घर का झाड़ू पोछा करना, बर्तन धुलना, कपड़ा धोना, सब सफाई करना, 2-2.5 घंटा खूब मेहनत करिए, करके जाइए। शारीरिक श्रम करने का पूरा समय है, इसका उपयोग करिए और क्रिया योग ध्यान करते रहिए, ये बहुत आवश्यक है। से पैर के उड़े तक इसको तैयार करना पड़ता है, इसलिए रिचार्जिंग है, सांस में एकाग्रता है, ब्रह्मध्य दर्शन है, जो कान बंद करके सुनते हैं वो है, और अनेक क्रियाएं सिर और उससे संबंधित है। इसको करते करते सिर से पैर के उंगली तक ये तैयार होने लगती है, ये दीक्षा वाली क्रिया करते है। इसमें ज्ञान इकट्ठा होने लगता है, ज्ञान की जब एक ऐसी मात्रा इकट्ठा हो जाए जिसको असीम ज्ञान कहते हैं, तब जान लीजिए जब असीम ज्ञान कहते हैं, फिर हमें पता चलेगा सच क्या है, गलत क्या है, फिर ही पता चलता परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। आइए हम फिर से याद करें, अगर कोई भी लेटर है ए या आ या का या कोई भी शब्द है जैसे एप्पल या आम या काम, इसके अंदर अनंत है, ये ब्रह्म का रूप है। और ब्रह्म का आकार प्रकार क्या है? असीम। हम क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं, कल से आज में हम कितना विकसित हुए, विकसित होने का अर्थ है हमारी समझ कितनी बढ़ी। समझ बढ़ने का अर्थ क्या है? जिस चीज को हम देखते हो, सुनते हो, जिसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हो, उसमें और अच्छाई मिले, उसमें कितनी अच्छाई है, प्रतिदिन और अधिक, प्रतिदिन और अधिक, ये मिले, ये जरूरी है। तो अगर हम ए पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं, या एप्पल है, आम है, या काम है, या कोई चीज आंखों से देखते हैं या सुनते हैं या स्पर्श करते हैं, या गंध की अनुभूति, स्वाद की अनुभूति, प्रत्येक अनुभूति में हमें नित्य नया ज्ञान मिले। कोई चीज हमने स्पर्श से किया, इससे कुछ होता है, कुछ समझ होती है, जो भी समझ हुई इसके बारे में, कल हमने फिर इसको स्पर्श किया, आज इसकी महानता और अधिक प्रकट हुई। अगर इस तरह का व्यवहार हो रहा है, इस तरह का हमारा जीवन बदल रहा है, क्रिया योग ध्यान अच्छी तरह से कर रहे हैं, याद रखिएगा। अगर ऐसा नहीं है तो करें क्या? फिर एक सूत्र है, बनत बनत बन जाइए, करते जाइए, करते आ जाएगा। इसका कहते नॉक एंड नॉक डोर विल बी ओपन। हम दरवाजा को नॉक करते नहीं खुलता है, हिम्मत ना हारिए, नॉक करते जाइए, एक दिन खुलेगा। इसी को अंग्रेजी में
आंखें नाक डोर विल बी ओपेंड बनत बनत बन जाए स्ट्राइव एंड स्ट्राइव विल अचीव करते रही हम सफल होंगे। ऐसे स्कूल में गाते हो गए एक दिन कामयाब हम। इस चीज को याद रखिए आप क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं। इसका लक्ष्य है कि अगर हम 10 मिनट करते हैं तो हमारा जो विकास है 20 वर्ष के बराबर होगा। ये विकास से क्या अर्थ है? समझ का विकास। समझ के विकास का क्या अर्थ है? जो चीज पहले हम जानते थे उस चीज के बारे में जब हम आज परखते हैं तो उसकी महिमा और अच्छी है। उसके गुणों का वर्णन करिए उसमें और अधिक गुण मिलते हैं। ये समझ बढ़ने का ये खोज हो चुकी है कि अगर 10 लाख वर्ष हमें 10 लाख वर्ष चाहिए व्याध रहित अगर हम पा जाते हैं हमारी ये समझ हो जाती है ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं है क्या जिसे हम निराकार परब्रह्म कहते हैं ओमनीप्रेजेंट गॉड कहते हैं सर्वव्यापी शक्ति कहते हैं सर्वशक्तिमान तत्व कहते हैं परम शांति कहते हैं परम आनंद कहते हैं अमर कहते हैं सर्वव्यापी कहते हैं। पता चला कि वही सभी रचनाओं के रूप में स्वयं प्रकाशित है। कोई और दूसरा नहीं है, एक अज्ञानी है एक ज्ञानी है। प्रभु स्वयं ज्ञानी और अज्ञानी के रूप में है। जितने प्रकार के जीव जल जितने प्रकार के पेड़ पौधे जितने प्रकार की ऊर्जा के तरंगे और परमाणु ये सब जितने प्रकार के मानव परब्रह्म ही सब रूपों में है। जब परब्रह्म सब रूपों में है और हमें पता चल गया कि ये ज्ञान होते ही ये भी पता चला कि हमारे परब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है। अगर यहाँ पर हम हैं और यहाँ पर परब्रह्म है दोनों के बीच में दूरी लगती पता नहीं कहाँ है इसी समय दूरी शून्य हो जाती है। जब दूरी शून्य हो जाती है तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि आप हर जगह हैं एक जगह नहीं आप हर जगह हैं। और क्या लगेगा जब परब्रह्म हमारे बीच में दूरी शून्य है परब्रह्म ही सभी रूपों में है लगेगा हम ही सभी रूपों में। जब अपनी महानता का अनुभव होता है परब्रह्म से मिलने के बाद पता चला कि हम कितने महान हैं उसी समय प्रत्येक रचनाओं की महानता का बोध होता है। इस स्थिति को जब हम पाते हैं तो उसी को कैवल्य कहते हैं। अंग्रेजी में परफेक्ट यूनिफिकेशन हम सबसे मिल गए। जैसे कहते हैं पैर हमारा है तो पैर हमसे तो जुड़ा भी है हाथ हमारा है हाथ भी जुड़ा है। ऐसे ही जब यूनिफिकेशन होता है केवल का अर्थ है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन विद ऑल क्रिएशंस तब वहां पर पता चलता अहिंसा क्या है सत्य क्या है। उसके पहले अहिंसा सत्य का बस यात्रा चलती है अहिंसा ये है सत्य ये है। ये अधिकार मानव को ही मिला है। केवल अवस्था की प्राप्ति मानव के लिए ही है। कोई भी और जीव जंतु पेड़ पौधे उनके अंदर इस क्षमता नहीं मिली है। कहीं ऐसा क्यों हुआ? ये भगवान की मर्जी भगवान ही मानव हो गए और मानव की क्षमता दिया। भगवान का रूप मानव है अपने इस रूप को ये क्षमता दिया। भगवान ही जानवर है पेड़ पौधे हैं उस रूप को ये क्षमता नहीं दिया। ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर तो वही मिलेगा जब हम 10 लाख वर्ष व्याधि रहित समय पा जाएंगे। अभी तक 10 मिनट का अभ्यास में 20 वर्ष का विकास होता है।
10 मिनट अभ्यास कौन सा, जब सारी क्रियाओं के हम एक्सपर्ट हो जाते, रिचार्जिंग है, श्वास में एकाग्रता है, ब्रह्मध्य पर है, कान बंद करके जो सुनते हैं वो है, फिर अंतिम क्रिया आती है कैसे मन को सिरौरी में ले जाए। यहाँ ले जाने पर याद रखिएगा, वो 10 मिनट का अभ्यास 20 वर्ष के बराबर होता है। तभी इसको सीखने के लिए आपको इतनी चीजें सीखनी पड़ती है, जो खड़े होकर के अभ्यास हो रहा था, फिर श्वास क्या है, आंख बंद करते हैं तो माथे के सामने जो दिखता है ये क्या है, जब कान बंद करते हैं तो कुछ वाइब्रेशन सुनाई पड़ता वो क्या है, सिर से पैर की उंगली तक जो कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, गर्मी और सर्दी लगती वो क्या है। अभी तो इसके बारे में ये पढ़ाई करनी पड़ती है, जब पढ़ाई का ये सैचुरेशन पॉइंट पहुंचने लगता तब ये पढ़ाई होती है। इस पढ़ाई में जो 10 मिनट का अभ्यास हम करते हैं वो 20 वर्ष का विकास होता है। क्रिया योग ध्यान से एक ही जन्म में मानव का लक्ष्य पूरा होता है। आप कितने भी बड़े डॉक्टर क्यों ना हो जाइए, ये अवस्था नहीं मिलेगी। चाहे नोबेल प्राइज आपको हर साल मिले, कितने बड़े इंजीनियर हो जाइए, ये चीज नहीं मिलेगा। वाइस चांसलर हो जाइए, चांसलर हो जाइए, बहुत बड़े प्रोफेसर हो जाइए, या प्रेसिडेंट हो जाइए, प्राइम मिनिस्टर हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, आपको ये अवस्था आने वाली नहीं है। जैसे हम बहुत अच्छे नाव चलाते हो लेकिन हम उड़ नहीं पाएंगे, उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, हवाई जहाज चाहिए। हम बहुत अच्छी हवाई जहाज चलाते हैं लेकिन हम पानी पर नहीं चल पाएंगे, उसके लिए नाव चाहिए या पानी पर चलने वाली जहाज चाहिए। ठीक वैसे ही इस चीज को समझने के लिए परब्रह्म सब रूपों में है, इसके लिए केवल एक ही शिक्षा है, क्रिया योग। और जब क्रिया योग का अभ्यास करिए तो आप देखिए कितना मजा आएगा। अभी मैं स्वास्थ्य खोजता हूँ कहाँ मिलेगा, फिर स्वास्थ्य हमें खोजेगा, हम कहाँ पर है। अभी हम खोजते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, फिर पैसा हमें खोजता है कि कैसे हमारे तक आए। अभी लोग मित्र खोजते हैं, कोई साथी मिलता। जब क्रिया योग से एकता स्थापित हो जाती है, सब साथी लोग फिर उस व्यक्ति को खोजते हैं जो क्रिया योग से जुड़ा है। तो धन है, ज्ञान है, शांति है, शक्ति है, कोई मित्र है, ये सब स्वयं खोजते ही आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए संगम में जनवरी के महीने में साइबेरिया से पक्षी आती, उसको पता है कहीं आना है, उसके पास कोई मास्टर फोन नहीं है, कोई गूगल सर्च नहीं करती कि हम उसको डायरेक्शन देख लें, उसे इतना इंट्यूशन है कि यहाँ पर आना उसको पता है। ऐसे एक चिड़िया होती जिसका नाम है, उसको कई नामों से पुकारते हैं, एक नाम इसको पेड़ की कहते हैं। ये कबूतर की जात होती है, ये शाकाहारी होती है, और शाकाहारी होती है, इसका जो पार्टनर है ये फीमेल है या कोई मेल है, अगर इस फीमेल का मेल खत्म हो गया तो किसी और के साथ नहीं जुड़ेगी। या मेल खत्म हो गया या फीमेल खत्म हो गई तो पार्टनर अकेले रहे, किसी के साथ जुड़ेंगे नहीं, शुद्ध शाकाहारी। ये कभी कीड़े मकोड़े नहीं खाते, तो ऐसी भी चिड़िया होती है। तो हर चीजें संभव है, कोई चिड़िया ऐसी होती को खाती ही खाती ही, मांसाहारी होती है। उसमें जो सबसे उच्चतम स्वतंत्रता मिली मानव को मिली। इस चीज से याद रखिए आप कि हमें 10 लाख वर्ष को पाना है, अगर 10 मिनट अभ्यास किए तो 20 वर्ष मिला। अभ्यास करते करते सिर से पैर की उंगली तक इतनी तैयार हो गई कि हम प्रतिदिन 1000 मिनट करने लगे। अगर हम 1000 मिनट करते हैं, हमें 2000 वर्ष का विकास प्रतिदिन होता है, तो 10 लाख पाने में कितना समय लगेगा, इसको 2000 से भाग दीजिए, 3 0 1000 दिन, लगभग 3 वर्ष, 3.5 वर्ष। तो 3.5 वर्ष में तो इतना ज्ञान आ जाएगा पूछिए नहीं, लेकिन जब ज्ञान इकट्ठा करते हैं, अगर उसकी तीव्रता ज्यादा है
तो सिर से पैर की उंगली तक सह नहीं पाएगी। जैसे बिजली एक पावर है, हमारे पास 50 वाट का बल्ब है, उसमें सोचे कि हम बहुत हाई इंटेंसिटी 1000 वाट का भेज दें तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। किसी ने बाकी और क्रियाएं करके सिर से पैर के उड़े तक इसको तैयार करना पड़ता है। इसलिए रिचार्जिंग है, सांस में एकाग्रता है, ब्रह्मध्य दर्शन है, जो कान बंद करके सुनते हैं वो है, और अनेक क्रियाएं सिर और इससे संबंधित है। इसको करते करते सिर से पैर की उंगली तक ये तैयार होने लगती है, फिर दीक्षा वाली क्रिया करते हैं, इसमें ज्ञान इकट्ठा होने लगता है। ज्ञान की जब एक ऐसी मात्रा इकट्ठा हो जाए जिसको असीम ज्ञान कहते हैं, तब जान लीजिए जब असीम ज्ञान कहते हैं, फिर हमें पता चलेगा सच क्या है, गलत क्या है, फिर ही पता चलता परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह से याद रखिए कि अगर हम 1000 मिनट प्रतिदिन करना है, और अगर करने लगे हम तो सब चीज 3-3.5 वर्ष मिलेगा, फिर 1000 बार करने में इसको जान लीजिए पूरी शरीर जल सकती है। इसमें नियम बनाया जाता है कि आप 7 मिनट सुबह करेंगे और 7 मिनट शाम को करेंगे, 7-7 मिनट 2 बार, टोटल 14 मिनट। इस 14 मिनट में ये मान लिया जाता है कि 2 मिनट हमारा गलत हो सकता है, पहली क्रिया अंतिम क्रिया अधूरी मानी जाती है, तो जो 14 मिनट करते हैं इसको 12 मिनट ही मानिए। 14 मिनट करेंगे तो 12 मिनट मिलेगा, एक दिन में 12 वर्ष का विकास बनता है। इसलिए इंट्यूशन से समय को 12 महीने में बदला गया है। घड़ी को भी जब 12 बजता दोपहर ही कहा जाता है। इस तरह से आप ध्यान दीजिए, जो आप विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। जो इसको अच्छी तरह से समझने में लग जाता है और निर्देश के अनुसार जो अभ्यास करता है उसको दिक्कतें नहीं होती। जो लालच में ज्यादा किया फिर कर नहीं पाएगा, वो लालच बुरी चीज होती है। लालच को परिग्रह कहते हैं, परिग्रह का मतलब लालच। हमें रहना चाहिए अपरिग्रह, लालच न करे। इसे निर्देश के अनुसार ही अभ्यास करिए हमेशा। अब हम अभ्यास करने चल रहे हैं कि जो यम है सत्य हिंसा ब्रह्मचर्य अचौर्य अपरिग्रह। सत्य का मतलब जो ट्रुथ है, जैसे हम टिश्यू कल्चर करते हैं पेड़ मिलता है, यूरिन कल्चर करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया है कि नहीं ये मिलता है। ऐसे सोचिए हम कुछ कल्चर करेंगे, टिश्यू कल्चर करेंगे पेड़ मिलेगा। अब हम पैरों में हाथों में हम सत्य तत्व का कल्चर करेंगे, क्या मिलेगा? सत्य मिलेगा। सत्य होता कैसे है? वही अहिंसा है। अहिंसा क्या है? बीमारी का भाव, चिंता मुक्त। सिर से पैर की उंगली तक एक एक अंगों में हम सत्य का कल्चर करेंगे, सत्य तत्व का, तो अहिंसा ब्रह्मचर्य अचौर्य अपरिग्रह अपने आप कल्चर हो जाते हैं। ये पांचों अपने आप आ जाते हैं। कल्चर का मतलब समझ लीजिए, टिश्यू कल्चर करता है, जब टिश्यू कल्चर करते हैं तो उससे हम पेड़ बना सकते हैं। ऐसे जब हम यूरिन कल्चर करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया है तो ग्रो कर जाएगा। तो ऐसे हम अपने अंदर अब यम तत्व का कल्चर करने जा रहे हैं। यम कहते सत्य हिंसा ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अस्ति, ये 5 नहीं है, 1 को 5 तरह से कहा जाता है। दवाई अभ्यास करते हैं, नाउ लेट अस प्रैक्टिस।
इस बात को फिर से याद कर लीजिए कि जो पढ़ाई का एक सिलसिला चला कोरोना काल में, कि हम कंप्यूटर से, वेब से, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा लेने लगे, वो ठीक है, मायावी शिक्षाएं चलती है, या जो किताब पढ़ करके ज्ञान अर्जन करते हैं, ये भी मायावी शिक्षा है, ये भी चलेगा। लेकिन सच को पढ़ने के लिए, कि सच क्या है, इसके लिए आवश्यक है का सम्मुख बैठिए, सामने आइए, कम से कम एक सप्ताह, अच्छा हो कि दो सप्ताह या थोड़ा और अधिक, पूरा एकाग्र होकर के वैज्ञानिक की तरह अभ्यास करिए। तो जो आप यूट्यूब पर या किताब पढ़ करके जो जानना चाहते हैं, इस तरीके से दूर से रह करके इंटरनेट के माध्यम से सारी जानकारी 0.1% के बराबर होगी, ज्यादा नहीं। अगर क्रिया योग को 100 मान लें तो जानकारी होगी 0.1%। आंखें हम बंद कर लें, लेट अस क्लोज आवर आईज, ट्राई टू लिसन, ध्यान से हम सुने परब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं। जैसे एक नवजात शिशु, एक बच्चा को बताया जाता है कि आम है, इमली है, ये गाय है, ये माँ है, ये पिता है, भाई है, बंधु है, उसको पता नहीं, वो बार बार जब सुनता है उसे याद हो जाता है, और जहां पर उसको शांति मिलती है, सुरक्षा है, वहीं जाता है। वैसे याद रखिए, क्रिया योग के पास अगर हम हैं तो हम सुरक्षित हैं। आंख बंद रखते ही हम अनुभव करें कि सिर से पैर की उंगली तक ये पूरी रचना, जो अलौकिक ये रचना है, अद्भुत आकार है, परब्रह्म स्वयं इस तरह से प्रकट हो रहे हैं। कीपिंग आईज क्लोज्ड, फील हेड टू टो, presence of head to toes, changes within head to toes we feel, is presence of a unique creation, this is wonderful structure, wonderful creation, omnipresence, God is manifesting in this unique form, head to toe. Forget everything about the head to toe. This is bone and muscle made up of cells and tissues, atom and molecules. Try to have different understanding. The head to toe is what we feel, is visible presence of a unique structure. We call it omnipotent consciousness, omniscient, omnipotent, eternal peace and bliss, and immortal consciousness is manifesting in this unique form, head to toe. Head to toe is made up of bone and muscles. Head to toe, whatever we realize, whatever we feel, is a unique within head to toes. There exist all things. सिर से पैर की उंगली तक इस समय एकाग्रता बढ़ाएं। इस समय सब कुछ विद्यमान है, जो कुछ हम कल्पना करें कि जब ब्रह्मांड प्रकट हुआ था तब से आज तक
जितनी रचनाएं हैं और आज से लेकर के भविष्य तक कल्पना करिए कि अंत क्या होगा। अंत तक जो भी रचनाएं प्रकट होंगी ये सब कुछ सिर से पैर की उंगली तक इस समय विद्यमान है। तो सिर से पैर की उंगली तक इसकी महिमा अनंत और असीम है। Try to feel presence of heritudes. Its glory is infinite. We cannot have any language to explain